हाय गाइज, वेलकम टू एसएसयू एजुकेशन। मैं आज आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस जो पावर डाटा के बेस में आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीक के लिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रिक्स, कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर पर जरूर पड़िए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं मैकडी, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस होके कन्वर्ज हो गए। यहाँ पे क्रॉसओवर बना नहीं है, क्रॉसओवर बनने का संभावना है। पॉजिटिव साइड में क्रॉसओवर का एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है मैकडी में। सेकंडली आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये डेली चार्ट में ऑन एन एवरेज आप यहाँ से देखना चालू कीजिए। ये देखिए, ये कैंडल को, ये कैंडल से यहाँ से लेके यहाँ तक डेली बेसिस में ये क्या हो रहा है, लोअर हाइज बनाते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सेकंड कैंडल छोड़ के ऑलमोस्ट सभी कैंडल में लोअर हाइज बना है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो लास्ट कैंडल है उसमें यहाँ पे जो शैडो है, शैडो को मैच करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे लोअर हाइज है। सो लोअर हाइज का मीनिंग क्या होता है, ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ मैकडी का क्रॉसओवर। तो इसमें एक इंडिकेशन है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। हायर हाइज का सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, बट आखिरी तीन कैंडल में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन कैंडल में हायर हाइज बना है। सो ये ट्रेंड एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड अप ट्रेंड बनने का, कंटिन्यूएशन का संभावना यहाँ से एक इंडिकेट हो रहा है। आगे चल के देखते हैं, ये निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, फिर रेजिस्टेंस में जाके फिर रिटर्न यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, अभी फिर अपवर्ड जा रहा है। होपफुली ये यहाँ पे जाना चाहिए 10,875 के आसपास, ये लेवल आ रहा है। और ये अगर यहाँ से आप वॉच करना है, ये यहाँ से रिवर्सल लेता है या आगे कंटिन्यू करता है, ये बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे देखने से। और जैसे पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ब्रेकआउट इनी साइड अच्छा टारगेट देने की संभावना है। आगे चल के देखते हैं। और एक बात, इसमें मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन जा रहा है, ये ब्लू लाइन जा रहा है, ये है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बीच में यहाँ पे बिलो 50 डे मूविंग एवरेज में था, अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये 100 डे मूविंग एवरेज रेड लाइन जो है 100 डे मूविंग एवरेज में है। सो ये 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी एक अच्छा मॉनिटर करने के लिए है। अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी का वीकली चार्ट में
जो संभावना बना है, ये ट्रेंड लाइन है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट में। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मल्टीपल टचेस है वीकली चार्ट में। अब देखते हैं ये कहाँ ब्रेक करता है, इधर ब्रेक करता है या ऊपर जाता है। लेकिन मल्टीपल टचेस मीन्स पॉसिबिलिटी बोथ साइड हो सकता है, ज़्यादातर डाउन साइड का संभावना। ब्रेक इसके ऊपर अगर ब्रेक हो गया तो ये नया हाई बनाने का संभावना जता रहे हैं। ये वीकली चार्ट में RSI प्लॉट किया हुआ है, एज पर RSI देखने से अभी भी RSI अबव 50 to 50 लेवल्स के ऊपर है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। निफ्टी का मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में निफ्टी में राइजिंग वेज फॉर्म हुआ है। राइजिंग वेज में पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में निफ्टी का डाउनसाइड का है। अब वेज पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। हम इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, वेज कैसा होता है, कैसा बनता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस रहता है। अभी ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, जब निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे ये उसका ये क्लोज हुआ है, ये है कॉल साइड है, कॉल साइड है, पुट साइड है। कॉल साइड में आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,800 पे, 10,900 पे, उसके बाद कहाँ पे सीधा 11,000 पे और यहाँ पे 10,700 पे। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है, तो वो दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10,800 और 10,900। सो 10,900 ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल बन जाएगा। अब पुट को हम देखते हैं, पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है, एक तो है यहाँ पे 10,700 पे, उसके बाद बना हुआ है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेवल पे और 10,500 लेवल में। सो 10,600 ये 10,600 ये लेवल और ये निफ्टी के लिए क्रूशियल रेंज नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा एज पर दिस ऑप्शन चेन डाटा के एनालिसिस के बेसिस में। 11,000 में जरूर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग हुई है। ये निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए प्राइस एक्शन के बेस में अपना स्टडी जो हमेशा हम पोस्ट करते हैं, इसमें निफ्टी क्लोज हुआ है अभी 10,778 पे। निफ्टी का बाय लेवल से 10,812 से, सेल लेवल से 10,745 पे। यहाँ पे अगर बाय ट्रिगर होता है तो आपके लिए टारगेट ट्री इजीली अचीवेबल रहता है, वैसे सेल ट्रिगर होता है तो टारगेट ट्री इजीली, टारगेट ट्री में रिवर्सल पॉइंट बनता है,
यहाँ पे क्लोजली इसको आपको वॉच करना है। टारगेट ट्री पे आने से आपको नेक्स्ट डिसीजन लेना है, अभी क्या करना है आपको लुकआउट करना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन ये वन साइड ट्रिगर होने से आपको इजीली थर्ड टारगेट तक आप इजीली अचीव कर सकते हैं। सो आपको इसमें कॉल और पुट का भी आप बाय सिगर ट्रिगर होने से आप कॉल भी बाय कर सकते हैं रिस्पेक्टिव स्ट्राइक का, अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। इसका जो अप्रैल से परफॉर्मेंस अपडेट कर रहे हैं वो ये उसका परफॉर्मेंस है अब तक का निफ्टी फ्यूचर का। ये स्ट्रेटजी में चल रहा है हमारा, ये स्ट्रेटजी में इसको अपडेट कर रहा हूँ। और जो टेक्निकल एनालिसिस आपको एक्सप्लेन किया वो आपको एक जस्ट ओवरव्यू रहेगा निफ्टी के रेंज के लिए। अब उसमें स्टडी में ऑप्शन डाटा हमने देखा है, उसमें भी आप देखेंगे तो जो लेवल्स आ रहा था करीब करीब नज़दीक आ रहा था 10,900 के आसपास, जो लेवल इंडिकेट कर रहा था 10,900 के आसपास और 10,600 के आसपास जो ऑप्शन डाटा का जो ये इंडिकेट कर रहा था। और इसका हम अपना वेबसाइट है यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स अपडेट करते हैं। लास्ट वीक का आप देखना चाहेंगे तो लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस था निफ्टी ने डाउन साइड में 3 टारगेट अचीव कर लिए थे और अप साइड में भी 3 टारगेट अचीव कर लिए थे। इसको आप हमारा वेबसाइट में जाके भी लास्ट वीक का डाटा आप देख के एनालिसिस वहाँ पे पोस्टेड है उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये पास्ट वीक का पूरा डिटेल्स था, इसका पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट यहाँ पे अपडेटेड है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में ये आज ही का डिटेल आप देखिए मैं कितना प्रॉफिट बुक किया है आप देख सकते हैं। आज ही का दिन 60,000 प्लस का प्रॉफिट है। ये डेली का नहीं हो सकता 60,000, लेकिन आप डेली का 20,000 के आसपास तो मान के चल सकते हैं। ये फिश स्ट्रेटजी हमारा, ये हमारे ज़ेरोधा क्लाइंट के लिए हम अपडेट करते रहते हैं। सो आप ये चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट अपडेटेड है प्रॉफिट्स। और बिफोर ट्रेडिंग डे हम जनरली ये पोस्ट करते हैं जो भी हमारा स्टडी है उसका रिपोर्ट्स। यहाँ पे हमारा वीडियोज़ है जो पोस्ट किया है, स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं हमारा चैनल पे जाके। हमारा दो चैनल है, एक SSV एजुकेशन और एक यूनिक वीक ट्रिक्स, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आप हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे थ्रू ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या जो लिंक दिया गया है नीचे में उसमें जाके रजिस्टर करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस के साथ।